If you are preparing for RBI grade B, one question that might be coming in your mind again and again would be, when is the notification expected, or what are the expected dates of phase 1, phase 2 exam? So guys, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है. आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑन आरबीआई नोटिफिकेशन एंड अलॉन्ग विद दैट आई वुड ऑल्सो बी टेलिंग यू द स्टेप्स यू कैन फॉलो इन केस यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नोटिफिकेशन कब आ सकता है. आई टोल्ड यू लॉन्ग बैक, आई थिंक 45 डेज बैक, दैट नोटिफिकेशन विल नॉट कम टिल सेबी फेज टू इज ओवर. ठीक है, तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, दैट भविष्यवाणी अभी सही हो गई है. अब कब नोटिफिकेशन आ सकता है? नोटिफिकेशन कैन कम एनी टाइम बिटवीन 25th ऑफ मार्च और 5th अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता है. एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स एट द साइड ऑफ आरबीआई बिफोर इट गेट्स फाइनली पब्लिश्ड. बट ये डेट्स आप लेके चलिए, आप मोटा मोटा लेके चलिए, अगर आप एवरेज भी लेंगे बीच का, कि 30th मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आने की बहुत बहुत चांसेस हैं. और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपकी सेकेंड हाफ ऑफ मई में है. ठीक है, तो आई थिंक मई के अर्ली हाफ में, मतलब सेकेंड हाफ के अर्ली पार्ट में ही होने के ज़्यादा चांसेस हैं. दैट इज़ बिटवीन से 15th to 22nd ऑफ मे, बट इट कैन गो डाउन टू इवन लास्ट वीक ऑफ मे. उस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट आई थिंक यू जस्ट नीड एन आइडिया रदर देन एग्जैक्ट डेट्स. अब उंगलियों पे दिन गिनने मत बैठ जाना, देर इज़ नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट दैट. स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड ट्राई टू प्लान योर प्रिपरेशन. 10-12 दिन में डिटेल चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और मे बी जल्दी. तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, आप इसको एब्जॉर्ब कीजिए, पैनिक मत कीजिए. आई थिंक वेन द एग्जाम इज अनाउंस देर इज़ अ पैनिक और मे बी देर इज सम एंशियसनेस ऑल्सो, बट when you start preparing, everything will get into flow and you will enjoy the process. ठीक है, तो ये एक update है. उसके अलावा in case you have not started your preparation and you are trying to make your way ahead, आप सोच रहे होंगे पहले क्या शुरू करूँ, कहाँ से एक धक्का बच जाए ताकि मैं थोड़ा track पे आ जाऊँ. So I would be telling you 3-step formula. आप ये ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा. देखिए, कोई भी एग्जाम देते हैं, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज टू नो द सिलेबस बाय हार्ट. इट शुड बी इनग्रेन्ड इन योर माइंड वर्ड बाय वर्ड. तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज प्रिंट द एंटायर सिलेबस फॉर आरबीआई ग्रेड बी. नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे सिलेबस है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जरूरी है. सी, अब इफ आई टेल यू दैट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस इज इन सिलेबस, फाइनेंस इज वेरी वास्ट. You will never be able to judge के क्या पढ़ना है. How you will be able to pinpoint that what you need to read, what chapters you need to read, that can be known only by looking at the syllabus. Second thing जो आपको बहुत ज़रूरी करनी है, download the PYQs, previous year questions. जो syllabus और PYQs हैं, they are like two headlights of the car which will help you drive your car in the night. और आपकी जो journey है अभी अंधेरे में है, आपको नहीं पता है कौन सा रास्ता लेना है, ठीक है, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है. बट इफ़ यू हैव दीज टू टूल्स एट योर हैंड, सिलेबस एंड PYQs, ये आपको रास्ता दिखाते चलेंगे. दीज आर लाइक गॉड्स हैंड ऑन योर हेड. ठीक है, PYQs कहां से मिलेंगे? अगेन द लिंक फॉर PYQs स्टार्टिंग 2017 टिल 2021 फेज 1 फेज 2 विद सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस इन फैक्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए. PYQs करने क्यों जरूरी हैं? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द PYQs बिकॉज देखिए, यू विल हैव अ टॉपिक एट योर एंड व्हाइल यू लुक एट द सिलेबस, सी देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड डेरिवेटिव्स. बट ये आपको कैसे पता चलेगा कि डेरिवेटिव्स को कहाँ से पढ़ना है, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है? दैट यू विल ओनली गेट टू नो इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ देयर आर एंटायर बुक्स ऑन डेरिवेटिव्स व्हिच आर रेड बाय इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड CFAs. And there can be one chapter in any finance book which might be sufficient for you. So how will you get to know about this? That is by looking at the PYQs. So syllabus or PYQs, they basically go hand in hand. Syllabus defines the scope and PYQs further defines the syllabus in a sense ke kaun si cheez important hai, kitni depth mein padni hai. And in fact, at some point you will also realize that there are some topics which are not in syllabus but are being constantly asked in the PYQs. तो इन दो चीजों को जरूर जरूर कीजिए. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज फ्रीज द सोर्सेस. आई हैव सीन लॉट ऑफ गाइस, दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन
और फ्री मटेरियल ढूंढते रहते हैं ऑन टेलीग्राम व्हाट्सएप, दे मेक अ फोल्डर ऑन देयर लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स और उसमें वो डालते रहते हैं विदाउट एनी क्लैरिटी दैट व्हाट टू रीड इन व्हाट सीक्वेंस टू रीड वेदर इट इज रेलेवेंट फॉर योर प्रिपरेशन और नॉट. तो प्लीज़ फ्री मटेरियल पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत कीजिए. यू कैन रेफर फ्री मटेरियल बट ओनली आफ्टर रीडिंग सम बुक्स. आई एम नॉट सेइंग दैट बाय सम कोर्स और समथिंग, यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम बुक्स, बट जो भी पढ़ना है उस सोर्सेज को अभी फ्रीज कर लीजिए. यू शुड नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड क्या पढ़ू क्या पढ़ू क्या पढ़ू, दैट वे यू विल लूज योर प्रीशियस टाइम. तो ये बहुत सही टाइम है कि अपने सोर्सेज को फ्रीज कर लीजिए कि मुझे यही पढ़ना है, दिस इज माई बेस्ट चांस, आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस बट आई विल कवर दिस. मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से रिवाइज करूंगा. सोर्सेज नहीं पता है, सो अगेन देर इज अ वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो विच विल टेक यू विच विल टेल यू the books, the sources that you can follow to prepare for RBI Grade B. ये तीन चीज़ें कीजिए, आपका आधा काम हो जाएगा. You will feel too much confident ये करने के बाद. उसके बाद next stage is make a broad plan. You have the syllabus, you have the PYQs, you have the sources, now you need a broad plan as in what to cover first, what to cover later, what is more important, ये सारा आपको decide करना है. So this is a broad plan in front of you. Now the major thing that I've kept in mind while giving you this broad plan is doability, especially for working aspirants. I know a lot of people who are out there preparing for RBI Grade B are working aspirants, right? Unke liye doability bahut important hai ki kuch aisa plan bataiye jo doable ho. Kehne ko to bahut kuch karna hai but kya kuch aisi cheeze hain jinko hum priority pe lekar both phase 1 clear kar sakte hain later phase 2 clear kar sakte hain. Bilkul hai. That is what is in front of you. First of all, I have kept English descriptive, descriptive writing, ESI static after phase 1. Why? You might be thinking, sir, ye to pehle kar lena chahiye, phase 1 ke baad nahi hoga. See, if you are starting now, specifically if you are starting now, then you can't do all the things. You have to focus on limited things to be at your best, to be productive, not busy. और वो आप तभी हो पाएंगे इफ़ यू फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, रिटेन बेटर, और एक कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा चीज़ों को कंप्लीट करके. रेदर देन इफ यू ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स, यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और कॉन्फिडेंस और डाउन चला जाएगा. तो इसमें मैंने फेज वन से पहले आई हैव केप्ट सम पार्ट फॉर फेज टू, मेनली FM स्टैटिक and current affairs. Current affairs anyways you need to prepare in such a way, in an integrated manner, that you prepare it for phase 1 and phase 2 simultaneously. Ab kuch farak nahi raha hai. To pehle mahine mein hum FM static karenge, current affairs, ESI, FM and GA we need to cover it for 3 months in the first month of our preparation. Total hame 5 mahine ke karne hain, lekin ek mahine mein first month pe hum 3 mahine ke hi karenge. We will also start with quant. I hope you would have some your basics right for quant. Read the theory, watching videos will not be suitable at this time. Read the theory and try to solve 10 sectional test. ठीक है, time management learn कीजिए, art of picking the right questions learn कीजिए, बहुत important है. और English में I am not recommending you to read any theory or something, just do sectional mock test, that is more than sufficient. उसी से आप reverse engineering कर कर सीखें. अगले 1 month में you do reasoning, साथ साथ में क्वांट को रिवाइज कीजिए. रिवाइज क्या, क्वांट के ऊपर अल्टरनेट डे में यू जस्ट सॉल्व 5 क्वेश्चंस, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर रिवीजन. करंट अफेयर्स में यू नीड टू रीड द रिमेनिंग 2 months. तो अगर आपका एग्जाम हम सोच रहे हैं मई में होगा, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई के जितने करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपको करने पड़ेंगे. मे बी 15th of December के बाद भी करने पड़ेंगे 30th December तक. रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स आप इस मंथ में शुरू कीजिए, विच इज अगेन अराउंड फॉर 6 months यू हैव टू कवर रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, राइट? अगेन आई विल टेल यू हाउ टू बेटर नो दैट व्हाट रिपोर्ट्स एंड व्हाट स्कीम्स टू रीड, आई विल टेल यू इन अ शॉर्ट वाइल. और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट यहाँ भी कंटिन्यू रखिए. ठीक है, तो यहाँ तक आपका तकरीबन 2 महीने में सारा व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फेज 1 हो जाएगा. फॉर फेज 2 यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड विद FM स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. And left over time में we need to revise and give 5 to 10 full length mock test depending upon कितना time है exam में. आज से शुरू करें तो आपके पास अभी भी phase 1 के लिए मतलब 60 days plus time लग रहा है मुझे कि exam May के second half में होगा. ठीक है, तो आप इस strategy को follow कीजिए और don't take tension about English descriptive, descriptive writing, ESI static. And now I know it might be very heart breaking or tense situation that you are not doing anything on these areas, but trust me, this is your best bet. जो मैं बता रहा हूँ उसको कीजिए,
English descriptive, descriptive writing, ESI static can be taken care of in the remaining 20-25 days which you get after phase one, provided you are committed. ठीक है, और ये करंट अफेयर्स भी अगर पॉसिबल हुआ, हम फेज वन के बाद जो हमने 5 महीने के किए थे उनको हम 9 महीने तक एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फेज टू में देर इज मोर कॉम्पिटिशन, एवरी मार्क वुड मैटर. तो ये एक प्लान है, एंड टू नो मोर अबाउट दिस प्लान इन डिटेल, मैंने तो ये बताया क्या क्या कब कब करना है, हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, देर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन आर यूट्यूब चैनल, ए टू जेड ऑफ आरबीआई प्रिपरेशन इन 20 मिनट्स. द लिंक फॉर दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ये प्लान और डिटेल में समझ आ जाएगा. बाकी जाते जाते मैं यही बोलूंगा गाइज, आपको बहुत बार लगेगा वेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन दैट यू आर नॉट able to make much progress, you are not able to retain things, you are not getting good marks in the mock test, confidence tootega, motivation khatam hone lagegi, but at that time just remember this one thing, this is a very good quote which always reminds me of how persistence can be really something like a diamond. A river cuts through rock not because of its power but because of its परसिस्टेंस. समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं. इसी तरह आपको भी फोकस्ड रहना है, परसिस्टेंट रहना है. मुश्किलें आएंगी बट फाइट विद देम, एंड इफ यू कैन सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 70 डेज थ्रू योर परसिस्टेंस, थ्रू योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क साइमल्टेनियसली, यू विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ ग्रेबिंग योर ड्रीम जॉब. सो आई टेक योर लीव नाउ, विश यू बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, घबराइएगा मत, एग्जाम आ गया है, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी to learn things quickly, to give your best rather than worrying about it. Bye-bye. Have a nice day.